माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया आज के कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गोवा और गोवा की जनता की तरफ से मैं आपका इस टीकाकरण संवाद में स्वागत करता हूं और आपको जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन कर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सर, गोवा सेलिब्रेट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सबसे पहले गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। सर, इस कार्यक्रम में मैं स्टेट हेल्थ फॉर एंड फैमिली वेलफेयर MOS डॉक्टर भारती जी पवार, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। सर, हमारे स्टेट मिनिस्टर फॉर द टूरिज्म एंड पोर्ट श्री श्रीपाद जी नाइक, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ में मेरे डिप्टी सीएम और सभी कैबिनेट कलीग्स जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सभी MLA, सभी ZP, सरपंच, पंच और सभी गोवा के लोग आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली सभी जुड़े हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव और गोवा एट्रेट 60 इस पावन वर्ष में आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा बनाने का दृढ़ संकल्प मन में लिए हम सब गोवा वैक्सीनेशन की सफलता का ये उत्सव हम मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरा और मेरे टीम और पूरे गोवा के जनता का ये सौभाग्य है हमें आपसे बातचीत करने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे लिए एक कीमती समय निकाला है। आपने हमें वैक्सीनेशन का पहला डोज 100% पूरा करने में जो आपसे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें पूरा सहकार्य और आपका आशीर्वाद मिला, इसीलिए हम 100% वैक्सीनेशन पूरा कर सके। सर, वैक्सीनेशन के लिए गोवा में पात्र लोगों की संख्या विच इज 11,66,000 है, हम ऑलरेडी ये संख्या पूरी कर सके। हमने 102% वैक्सीनेशन पहला डोज पूरा किया है और द सेकेंड डोज अप्रोक्सीमेटली 42% वैक्सीनेशन विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 लाख ऑफ द वैक्सीनेशन हमने पूरा किया है। सर, मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने वेस्टेज बिल्कुल ही नहीं की, फिर से ऊपर से हमने नेगेटिव वेस्टेज 6% पे रखा, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे सके। सर, वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को हमने जैसे आपने केंद्र सरकार ने जनवरी में से कहा, तभी हमने जनवरी में से फ्रंटलाइन वर्कर और बाकी लोगों को वैक्सीनेशन देना स्टार्ट कर दिया। बाकी बाद में 60 साल के ऊपर, बाद में 45 इयर्स के ऊपर, और जिस तरह से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम का हम सफलता हमने कैबिनेट डिसीजन लेके फ्रंटलाइन वर्कर की परिभाषा और भी बढ़ाई और उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और इसके सिवा हमने 18 से 45 इयर्स के जो स्टूडेंट्स फॉरेन जाना चाहते थे और गोवा के सीमेन, इन लोगों को भी इंक्लूड करके ज्यादा से ज्यादा हम वैक्सीनेशन कर सके। सर, वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता जब आपने टीका उत्सव मनाने की संकल्पना पूरे देश के सामने रखी, वही टीका उत्सव हमने आगे बढ़ाया और सर हमने टीका उत्सव और हर वैक्सीनेशन कैंप हमने गांव गांव तक लेके गए। हम टीका उत्सव एक बार नहीं, हमने टीका उत्सव 1, टीका उत्सव 2, टीका उत्सव 3, हर बार हमने हर गांव तक गोवा के लेके गए, हर ग्राम पंचायत, हर म्युनिसिपैलिटी में हमने हर बार ये टीका उत्सव बनाया। सर, हमने एक ही बार नहीं, हमने जब सेकेंड डोज हमें लेना था तभी हमने सर सेकेंड डोज में भी 1.2, 2.2 और अभी सर आपके जन्मदिन के अवसर पर हमने रिकॉर्ड ब्रेक वैक्सीनेशन किया और हमारा वैक्सीनेशन 3.2 वैक्सीनेशन सर अभी स्टार्ट है और अभी हम मना रहे हैं। अभी 8 दिन हमारा ये उत्सव बड़ी मात्रा से चलेगा। सर, यहां तक हमने वॉक इन वैक्सीनेशन और हमने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, इसके लिए हमने वैक्सीनेशन और भी ज्यादा आसान बनाया। सर, इस सफलता के लिए हमारे मल्टी डिपार्टमेंट, सबसे पहले हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बाकी सभी डॉक्टर्स, नर्सिस और बाकी सभी फील्ड ऑफिसर्स इस काम में जुड़े लगे।
इवन दो हमारे एडुकेशन डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ सभी लोगों ने हमें बहुत किया, इसीलिए इनके सभी परिश्रमों से हमें 100% वैक्सीनेशन हम सफल कर सके। सर, इस कार्यक्रम की सफलता बनाने के लिए हमने स्थानिक पंच, सरपंच, ZP और MLA मंत्री इन सभी लोगों का सहकार्य, हमने खुद हमारे हेल्थ मिनिस्टर और मैंने लोगों के बीच में वैक्सीनेशन के बारे में बातचीत की, चाहे कि यहाँ के सभी धर्मगुरु, यहाँ के सभी नेता और सभी प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपील लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किया, इसीलिए हम वैक्सीनेशन 100% कर सके। इसके अलावा खास करके वैक्सीनेशन के लिए हमने हर एक डेस्टिनेशन जहां वैक्सीनेशन नहीं पहुंच सकता था, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्टेट, बाद में हमारे यहाँ पे जेल में, ओल्ड एज होम में, और इवन दो डेस्टिनेशन सेंटर, और खास करके दिव्यांग लोगों की व्यवस्था हमने खास करके अलग तरीके से वैक्सीनेशन के लिए की थी। सर, यहाँ पे इस कार्यक्रम में हमें बहुत चुनौती रही, क्योंकि जैसे कि यहाँ के दुर्गम भागों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, यहाँ कुछ लोगों के मन में वैक्सीनेशन के प्रति संकोच भी था, वो भी हमने हटा दिया। फिर भी इस गोवा में 4 महीने में भारी वर्षा रही, इस वर्षाओं के दौरान ताउते साइक्लोन आया, हमारे यहाँ पे सर फ्लड भी आया, इसके बावजूद भी हमारे सभी फील्ड वर्कर्स और बाकी सभी लोगों ने हमें बहुत सहकार्य किया, और इन्हीं सहकार्य के कारण हम प्रयासों के बाद 100% वैक्सीनेशन सर हम कर पाए। सर, हम 100% वैक्सीनेशन आप ही के आशीर्वाद से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से हम गोवा के 100% वैक्सीनेशन कर पाए हैं। सर, आपके नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा बनाने का हमने संकल्प किया है, और उसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, फिर से एक बार मैं गोवा के लोगों की तरफ से आप हमसे बातचीत करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप ही से प्रेरणा लेके और आपके आज वर्चुअल टॉक के बाद मैं आपको आश्वासन देता हूं कि डेफिनेटली गोवा के सभी लोग सेकेंड डोज 100% वैक्सीनेशन लेने के लिए 31 अक्टूबर तक सभी लोगों का सहकार्य हमें मिलेगा, और 100% हम सेकेंड डोज वैक्सीनेशन भी 31 अक्टूबर तक हमारी पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी सभी टीम के साथ हम पूरा करेंगे। इतना गोवा सभी राज्यों में से पहला राज्य 100% वैक्सीनेशन सेकेंड डोज करने वाला रहेगा। इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गो। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक शॉर्ट वीडियो प्रस्तुत करने की अनुमति दें। पिछले कुछ समय से पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, वहीं भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामूहिकता की शक्ति से मजबूती से मुकाबला कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवकों द्वारा किए जाने वाले निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत इस भयानक संक्रमण को रोकने में सफल होता दिख रहा है। लेकिन गोवा पर इसका प्रभाव और भी गहरा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दोनों ने समस्या को जड़ से सुलझाने का निर्णय लिया। सबका टीकाकरण, आमका कोरोनाचेर मात करपाक वैक्सीनेशनाच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना, म्हणून गोय सरकारान आणि केंद्र सरकारान वैक्सीनेशन खूप मोठ्या प्रमाणात जानेवारी महिन्यातच दिवपाक सुरुवात केली। मगर ये चुनौती सहज नहीं थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टीकों को जन सामान्य के लिए मुफ्त करने का निर्णय लिया। पूरे देश के साथ साथ गोवा ने भी 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण का अभियान आरंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ली और लक्ष्य निर्धारित किया, शीघ्र अति शीघ्र संपूर्ण गोवा के समस्त नागरिकों को टीका लगना ही चाहिए। सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा में समर्पित नागरिकों का टीकाकरण हुआ।
आम जनता में सबसे पहले ध्यान रखा गया उन लोगों का जो पहले से ही गंभीर रोग से ग्रसित हैं। इसके तुरंत बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक के लिए टीका सुविधा उपलब्ध कराई गई। 15 मई 2021 टीकाकरण 18 से अधिक आयु के लोगों के लिए भी खोल दिया गया। मगर उसी दिन गोवा ताउते तूफान की चपेट में आ गया। लेकिन गोवा के लोगों ने घबराए बिना टीकाकरण जारी रखा और अपने साहस का अद्भुत परिचय दिया। जहां अधिकांश लोग स्वयं आकर टीका लगवा रहे थे, वहीं गोवा और दूर के क्षेत्रों में कई ऐसे असहाय लोग भी थे जिनके पास जाकर उन्हें टीके लगाए गए। शुरुआती तौर पर केवल 6 टीका केंद्र थे, लेकिन शीघ्र ही गोवा में कुल 40 टीका केंद्र खोल दिए गए। इतने प्रयासों के बाद भी लक्ष्य दूर था। ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रेरणा स्रोत बने और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने टीका उत्सव आयोजित किया, जिनसे टीका अभियान को एक नई गति मिली। कई दिनों तक चलने वाले 5 टीकोत्सव पूरे गोवा में आयोजित किए गए, जिनमें कुल 1386 शिविर लगे, जहां लगभग 8,00,000 लोगों को पहले और दूसरे शॉट दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, विशेषज्ञों और समितियों की देखरेख में टीका अभियान नियोजित किया गया। गोवा सरकार और महान सेवा कर्मियों की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते 11,00,000 से भी अधिक लोगों को टीका लगाकर पूरे गोवा को टीकाकृत कर दिया गया। इसके साथ ही गोवा टीके को क्षय न होने देने वाला अव्वल राज्य बना। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी और परिस्थिति को मात देकर गोवा सरकार और गोवा के लोगों ने मानव क्षमता का अद्भुत उदाहरण दिया है। अब गोवा लगातार सामान्य होते हालात को देख के कारोबार, पर्यटन और अन्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह तैयार है। जय हिंद, जय गोवा। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह साल गोवा के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष गोवा अपनी आजादी के 60 वर्ष पूरे करने का उत्सव तथा भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से विनती करता हूं कि वे आज के इस टीकाकरण संवाद के अवसर पर हमारे कुछ कोविड वॉरियर्स व टीकाकरण लाभार्थियों से संवाद करें। सबसे पहले डॉक्टर नितिन, जो लेक्चरर हैं गोवा मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन के। नितिन जी नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, आपके तो मुख्यमंत्री स्वयं भी डॉक्टर हैं और इसलिए काफी इसकी बारीकियों को बराबर जानते हैं। लेकिन नितिन जी, आपने बहुत से लोगों की वैक्सीन के प्रति हिचक को भी दूर किया है, एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आपने लोगों की मदद की। ये बताइए कि किस तरह की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में थी और उन्हें दूर करने के लिए आपने क्या किया? हाँ सर जी, बहुत सारे लोगों में हमने पाया, जब हमने कोविड टीकाकरण की शुरुआत की 16 जनवरी 2021, हमने पाया कि लोगों में बहुत सारा संकोच था, भय था वैक्सीन के प्रति। दुष्प्रभाव के कारण बहुत सारे चिंताएं हमने देखी और लोग ये टीका लेने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। जब पहले दिन हमने टीकाकरण किया, सिर्फ 42 लोग 100 में से आगे आए और टीका लिया। फिर हमने उनको फोन किया, जो हमारे पास लिस्ट थी, जो स्वास्थ्य सेवक उनकी लिस्ट थी, उनको हमने फोन किया, उनसे अनुरोध किया कि हमारे भारत देश ने इस टीका को प्रमाणित किया है, ये बहुत सुरक्षित वैक्सीन है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लोगों ने देखा कि जिन्होंने ये वैक्सीन ले ली है उनको कोई भी दुष्प्रभाव नहीं था और उन्होंने इस कारण वो आगे आए और इस टीकाकरण को उन्होंने अपनाया। और जो अफवाहें थी वैक्सीन के प्रति, उनको नजरअंदाज करके वो आगे आए और जो वैक्सीन, जो एक ही प्रमाण था इस कोरोना की महामारी के ऊपर विजय होने के लिए, और उसको उन्होंने अपनाया। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस और जो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, प्राइवेट एजेंसीज, सारी हमारी टीम ने
अपनी पूरी ताकत लगाकर लोगों के मन का भ्रम दूर किया और इस संकोच को हम विजय पा सके और 100% पहला डोज हम हासिल कर सके। धन्यवाद। नितिन जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपने पहले भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम देखे हैं, इस बार आपको क्या फर्क नजर आता है, क्या फर्क लगता है? सर, हम बच्चों को टीकाकरण में हम भाग लेते हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनमें कभी कभी दुष्प्रभाव नजर आता है, लेकिन ये जो कोविड का जो टीकाकरण था वो एक साधारण अभियान नहीं था, बल्कि देश का एक आपके नेतृत्व में एक बड़ा कदम है जो इस महामारी पर विजय कर सकता है। तो एक आपके नेतृत्व में आपने जो ये टीकाकरण को एक अभियान का रूप दिया, इसके कारण इसको बहुत राष्ट्रीय महत्व है और इसीलिए हमने ये ठान लिया कि हम इसको साधारण नहीं समझेंगे। तो पूरी लगन से, पूरी ताकत से इस टीकाकरण को गांव-गांव तक ले जाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया और हम इसमें सफल हो गए आपके नेतृत्व में। और हमें पूरी आशा है कि 31 अक्टूबर तक गोवा में हम दूसरा टीका भी 100% पार कर लें। धन्यवाद। नितिन जी, जब आपके कहने से लोगों ने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद क्या आपने उन लोगों से कोई बात की? कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए लोगों का क्या रिएक्शन रहा है? और मैं एक और सवाल भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं न वैज्ञानिक हूं न मैं डॉक्टर हूं। हमने सुना है कि जब वैक्सीनेशन होता है तो जिसको वैक्सीन जो लेता है 100 में से एकाध व्यक्ति रहता है, कहते उसको जरा रिएक्शन आता है, बुखार आता है, और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है, ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें तो जो ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कल देश के इतने हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सब साथियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई, उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है, इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? सर, जब लोगों को हमने वैक्सीन दिया तो हमने उनको बता दिया पहले कि ये कौन सा वैक्सीन है, तो उनको बता दिया कि ये कोविड की बीमारी दूर करने के लिए हमने ये टीका आपको लगवाया है। दूसरी बात हमने बताई कि ये वैक्सीन लेने के बाद, ये टीका करने के बाद आपको शायद कुछ बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, थकावट महसूस हो सकती है, आप तुरंत 104 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या जो हमारे आपके नजदीक वाले प्राथमिक केंद्र पर आप जा सकते हैं। टीका लगवाने के बाद आपको कोविड की जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क पहनना, हाथ साफ करना और लोगों से 1 मीटर की दूरी रखना, ये चालू रखना है, और जब आपके दिन हो जाए 84 डेज तो आपको दूसरा टीका लगवाना है। और कल आपका जन्मदिन था और आपके जन्मदिन पर हमने, पूरे देश ने आपको एक जन्मदिन का गिफ्ट, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लेके आपको दिया है, तो इसमें वो संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा निकली। जी हाँ जी, नितिन जी, आज देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक चल रहा है, गोवा ने इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
इस उपलब्धि में देश भर के आप जैसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे कोरोना की महामारी का संकट रहा हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निभाई है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आपके प्रयासों के लिए आपको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपके माध्यम से गोवा के सभी डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आइए अब श्रीमान नजीर शेख से बात करेंगे हम। नजीर जी नमस्ते। नमस्ते जन्मदिन जी, सर जी। धन्यवाद धन्यवाद नजीर जी, धन्यवाद नजीर जी। आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने खुद तो वैक्सीन ली है, लेकिन आप एक सामाजिक सेवा के रूप में दूसरों को भी वैक्सीन के लिए लगातार मदद करते रहे, प्रेरित करते रहे, उनको समझाते रहे, और मुझे गर्व है कि आप जैसे जागरूक नागरिक इस काम को कर रहे हैं वैक्सीनेशन में लोगों को प्रेरित करने के लिए। ये भावना कहां से आई, आपके मन में विचार कैसे आया, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। सर जी, हमको सीएम साहब ने एनकरेज किया और हमने एक टीम बनाई। टीम में सबको बुलाया और जितने हमारे एरिया के मोहल्ले के जो लोग हैं उनका फोन नंबर नाम सब लेके हमने हर एक को फोन किया और सबको वैक्सीनेशन सेंटर में जाने के लिए कहा। अगर जो नहीं जा सकते थे उनको हमने हमारे स्कूटर में, कार में टीकाकरण के ठिकाने पर लेके जाके उनको वैक्सीनेशन किया। उनके साथ में 20 मिनट हम बैठ के रहे और उनको घर पे लाके छोड़ा। नजीर जी, लेकिन ये काम करने में आपको दिक्कतें आई होगी, लोग आपसे बहस करते होंगे, चर्चाएं करते हैं, आपने लोगों को ये वैक्सीन सेंटर पर पहुंचाने में क्या करना पड़ा आपको? नहीं, हमें 1 किलोमीटर का वैक्सीनेशन सेंटर था, तो हम हमारी सबके पास बाइक है, सबके पास कार है, तो सबने हेल्प किया और उनको वहां तक पहुंचाया और उनको वैक्सीनेशन लगाने के बाद उनके साथ बैठे ही रहे ताकि उनको तकलीफ न हो और घर तक लाके पहुंचाए। अच्छा नजीर साहब, ये बताइए कि इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर आपका अनुभव क्या रहा? इसमें हमारा अनुभव अच्छा है, क्योंकि पहले भ्रम था लोगों के मन में कि वैक्सीनेशन से ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब वहां पे जाके लगाया, घर पे आ गए, थोड़ा एक दिन थोड़ा तकलीफ हुई, हाथ में दर्द थोड़ा हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद में नॉर्मल, सब नॉर्मल था सर। नजीर जी, आप तो जानते हैं हमारा संकल्प रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो हमारी कोशिशों में सबका प्रयास भी बहुत जरूरी है। आप इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपके प्रयास से आज गोवा वैक्सीनेशन की ये उपलब्धि हासिल कर सका है। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, लेकिन इन कोशिशों का पूरा लाभ आप जैसे जागरूक और सक्रिय नागरिकों के प्रयास से ही मिल सकेगा। मैं सचमुच में आपको बहुत बधाई देता हूं और देश में आपकी तरह समाज सेवा करने वाले लाखों लोग हैं, वे भी सब आज अभिनंदन के अधिकारी हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी। आइए सुश्री सुमा फर्नांडिस जी से बात करेंगे। प्रणाम प्रधानमंत्री जी। अच्छा सुमा जी, जब लोग टीकाकरण कराने आते थे तो उनके सवाल कैसे होते थे? आपको बड़े अजीब अजीब के सवाल लोग पूछते होंगे।
टीकाकरण करने के आते थे तो लाभार्थी वो ये पूछते थे क्या दुष्प्रभाव क्या होगा, कैसे मैनेज करने का है, और कुछ रिएक्शन आता है तो कैसे मैनेज करने का है, और कुछ बीमारी है या हार्ट की ऑपरेशन किया है या रिएक्शन की कुछ हिस्ट्री है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो सब पूछते थे। लेकिन हम लोग उसको मेंटली स्टेबल करके उसको बहुत ज्ञान देकर और वैक्सीन के बारे में, और हमारे डॉक्टर साहब भी होते थे हर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में, उसको पेशेंट को कंफर्टेबल करके उसको वैक्सीन देते थे। वैक्सीनेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट एक बहुत बड़ी बात होती है, उसमें भी कोल्ड चेन का बहुत बड़ा महत्व होता है। गोवा जैसे तटीय क्षेत्र में आपने कोल्ड चेन कैसे बनाए रखी? सर, हमको वैक्सीन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज पंजिम से मिलता है। हमको एक स्पेशल वैन और कर्मचारी देते हैं वैक्सीन लाने को, वो एक कोल्ड बॉक्स पे आइस पैक डालकर उसका तापमान बनाए हुए लाते हैं। हमको गवर्नमेंट ने स्पेशल ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर दिया है, उसमें वो सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन रखने के लिए दिया है, उसमें रखते हैं और उसका तापमान की निगरानी रखते हैं। दिन में 2 बार तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, और जब भी वो वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर जाते हैं तब वो वैक्सीन करियर में आइस पैक डालकर लेकर जाते हैं, और एक वैक्सीन का वायल खोलता है तब हम लोग वो 4 घंटे के अंदर उसका उपयोग करते हैं, और वैक्सीन खोलने का टाइम वो वैक्सीन वायल पर लिखी जाती है। अच्छा, मुझे बताया अभी जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे कि गोवा ने वैक्सीन की नेगेटिव वेस्टेज की उपलब्धि हासिल की है, आप लोगों ने वैक्सीन वेस्टेज को कैसे रोका, क्योंकि तो देश के अनेक राज्यों में आपका यह अनुभव काम आएगा। सर, जीरो वेस्टेज एक बहुत भ्रमित और तकावी बात थी। हमारा मुख्य लक्ष्य था सबको वैक्सीनेट करे और किसी को वापस नहीं भेजे, और जीरो वेस्टेज भी बनाए रखे। तो इसके लिए हमने देर शाम तक वैक्सीनेशन सेंटर खुला रखा, पर्सनली फोन कॉल करके लोगों को वैक्सीन लेने को बुलाया, लोगों के घर भी गए टीका देने को, लोगों के कार्यस्थल भी गए टीका देने को, और बुजुर्ग और अपाहिज लोगों को गाड़ी में टीका देने की सुविधा रखी। सुमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपने घर की जिम्मेदारियों तक को किनारे कर दिया। मैं आपके बच्चों, आपके परिवार और आपके माध्यम से पूरे देश के कोरोना वॉरियर्स के परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। परिवार के सहयोग की वजह से ही हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से निभा पाए। संकट के समय आपके परिवारों का यह सहयोग देश की शक्ति बन गया है। मेरी तरफ से आपको और आप जैसे लाखों लाखों कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए श्रीमान शशिकांत भगत जी से बात करते हैं। शशिकांत जी नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। मैं अभी 75 ईयर्स ओल्ड हो गया, थोड़ा थका हूँ फिर भी। कितना जो कितनी उम्र हुई भगत जी? 75 ईयर्स। 75। देखिए, कल मेरे साथ बड़ा मजा आ गया। हुआ ऐसा, कल प्रोग्राम मैं जरा थोड़ा 2 मिनट ले लूंगा आपका, क्योंकि आप मुझसे भी आयु में बड़े हैं तो आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कल मेरे पुराने दुनिया से कुछ मन कर गया कि मैं ढूंढूं जरा वो आजकल लोग कहाँ है, तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक फोन ढूंढ करके रखा था, और एक बड़े बुजुर्ग ऐसे ही ऑलिया टाइप है, उनको मैंने फोन किया और मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो बहुत
उम्र में बड़े वरिष्ठ हैं और ये टीवी अखबार वगैरह से उनका कोई लेना देना नहीं, अलग ही दुनिया में जीते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि कितने साल हुए तुम्हारा जन्मदिन है, तो कितने साल हुए। तो मैंने उनसे जवाब दिया कि अभी 30 साल बाकी है। तो बहुत हंस पड़े, उन्होंने कहा तू अभी भी सुधरे नहीं हो, बचपन में मेरे पास जैसे करते थे ऐसा ही कर रहे हो, आप भी अपनी 75 वाली आयु मत बताइए, आप ये बोलिए अभी 25 बाकी है। अच्छा शशिकांत जी, आपको वैक्सीन लगवाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? सेंटर पर व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या अनुभव आया? मैं एक हाई डायबिटिक्स पेशेंट हूं, फिर भी मैं वैक्सीनेशन को पहले टाइम गया, उधर देखा तो इतना उधर ये है जाने के लिए, लेने के लिए सभी लोग खड़े हैं, किधर आए, प्रॉपर जगह पर लेके गया हमको। और ऊपर जाके जो सीनियर सिटीजन है उनको पहले प्रेफरेंस दिया। मैं बहुत थैंकफुल हूं उन वॉरियर का, मेरे को एक आधा घंटा बिठाया, फिर डॉक्टर आया और पूछा मेरे को कैसा है, नहीं ठीक हूं मैं बहुत ठीक हूं। और आधा घंटे के बाद मेरे को सर्टिफिकेट दिया और मैं घर गया। दूसरे दिन थोड़ा हाथ का पेन होने लगा, ऐसा ही 2-3 दिन हो गया। बाद में मेरे फैमिली को मैं बोला देखो ये टीकाकरण जो है वो हरेक ने लगाना चाहिए, तुम सभी लोग जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं डायबिटिक्स पेशेंट हूं, मेरे को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। ऐसा मैंने बहुत फ्रेंड सर्कल में बोला। और मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माय मैंने दूसरा डोज लिया, उधर भी सुविधाएं इतनी सुविधाएं थी, बहुत मैं खुश हो गया, क्योंकि जो टीका लगाया उसका भी मेरे को कुछ दुख नहीं हुआ। बाद एक फ्रेंड ने मेरे को बोला अरे तुम्हारी डॉटर उधर डॉक्टर है, इसीलिए तुम हमको जाओ टीकाकरण। नहीं बाबा, ये हमारे माननीय पंतप्रधान जी का जो ये है, इसने जो पर्वत हाथ में ऐसा खड़ा किया है, ये सभी हमको निभाना चाहिए, ये हमारी सबके ये है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तुम जरूर ले लो। भगत जी, आपने लोगों को बहुत प्रेरित किया है, आपके घर और आसपास कुछ लोग ऐसे तो नहीं थे जो कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से ये दिक्कत हो जाएगी वो दिक्कत हो जाएगी, काफी आपके साथ बड़ा विवाद होता होगा? हाँ, बहुत बहुत लोगों ने ऐसा किया, बोले देखो मैं क्या बोलता हूं, अभी जो जो मैं लोगों को टीका किया है उनको देखा, उनको किसी को एक दिन का बुखार आया, वो वैक्सीनेशन का होता ही है, कुछ घबराने का जरूरत नहीं, कांटेक्ट डॉक्टर को करो, कुछ हुआ तो डरने का अजीब बात नहीं, एंड विदाउट फियर तुम उधर सेंटर में जाओ। शशिकांत जी, मुझे बताया गया कि आप मन से अभी भी रिटायर्ड नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नहीं, आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जरा मैं जरूर सुनना चाहूंगा, आपने ये जो बड़ा संकल्प लेके कर रहे हैं, बताइए। विश्व हिंदू परिषद का मातृछाया का एक चल रहा है, उधर मैं एक साधारण मेंबर हूं उनका, और उनका भी अभी बाल कल्याण आश्रम अनाथ बच्चों के लिए खुला है, अभी बालिका कल्याण आश्रम होने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी
आए थे उद्घाटन के लिए, लेकिन बाद में वो कुछ काम के लिए काम है इसलिए वो चल गए, लेकिन आके गए। वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग गया, बहुत अच्छा काम मेरे मिसेस उधर असिस्ट करती है आज तक। चलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकार के तौर पर हमारी कोशिश ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की है। आप तो खुद ही सेल टैक्स अफसर रह चुके हैं, आपने खुद महसूस किया होगा कि कैसे पिछले 7 साल में व्यापारी हो या फिर आम नागरिक, उनके टैक्स कंप्लायंस में कितनी आसानी हो गई है। आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब और मध्यम वर्ग को फायदा हो रहा है। इस कोरोना संकट में भी सरकार की यही कोशिश रही है कि कम से कम दिक्कत हो। इस संकल्प को शक्ति तब मिलती है जब आप जैसे नागरिकों का साथ मिलता है। शशिकांत जी, आपको और आप जैसे सभी समाज प्रेमी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप स्वस्थ रहें, आपकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूं। थैंक यू। आइए हम स्वीटी एस मांडरेकर वेंगुर लेकर जी से बात करते हैं। स्वीटी जी, आप लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कहां कहां टीका उत्सव वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किए? सर, हमने ऐसे जगहों पे टीका उत्सव मनाया है जहां पे जो लोग हमारे सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर तक आ नहीं सकते, ऐसे जगहों पे हमने आइडेंटिफाई किया, वहां पे हम अपनी टीम के साथ गए और पूरा टीका उत्सव मनाया। अब तक हमने 8 टीका उत्सव मनाए हैं, जिनमें से ऐसे हमने आइडेंटिफाई किया है जो लोग बहुत सारे पॉपुलेटेड एरियाज है और ये लोगों को दिक्कत होती है हमारे सेंटर तक आने में, ऐसे लोगों तक हम लोग पहुंचे हैं और उनके लिए हमने कम से कम 5 दिन के लिए टीका उत्सव मनाया है एट अ स्ट्रेच। और ऐसे इन सत्रों के लिए आप लोगों की तैयारी क्या होती थी? हमने पूरा प्री प्लान करके रखा था और एक टीम बनाई थी, जो रिजर्व में भी एक टीम रखी थी, जहां पे हम अपने मेडिकल स्टाफ, हमारा वैक्सीनेशन के स्टाफ और हमारे रजिस्ट्रेशन के भी जो स्टाफ थे, उस सब के लिए हमने एक रिजर्व टीम बनाई थी और एक प्लान करके हमने एग्जीक्यूट किया था पूरा। और अगर हमें टीका उत्सव के दरमियान अगर ज्यादा लोग आए तो हम वो रिजर्व स्टाफ को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर टीका उत्सव के वक्त अगर कोई बेनिफिशियरी हमारे तक न पहुंच पाए तो हमने ऐसा भी प्रबंध करके रखा था कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लोकल बॉडीज के माध्यम से, लोकल बॉडीज के जो भी हमारे कार्यकर्ता है या हमारे एरियाज में जो भी हमारे मिनिस्टर्स है, हमारे ऑफिशियल्स है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो भी ऑफिशियल्स हैं, इन सब की सहायता लेके हमने ये आगे बढ़ाया था टीका उत्सव। और मतलब कि आपको स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, सबका सहयोग मिला? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया आपने बताया। देखिए, कोरोना के संकट में सरकार की कोशिश रही है कि हमारे नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। पूरे संकट में चाहे लोगों को जांच हो रही हो या फिर वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारे नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। आज देश के पास देश में बनी वैक्सीन है, हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा, स्वास्थ्य कर्मियों और आप जैसे जागरूक सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों की मेहनत है कि हम इस संकल्प को साकार कर पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं तो हमारे चीफ सेक्रेटरी से आग्रह करूंगा कि इतनी बड़ी सफलता के पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता था? इतने वैक्सीनेशन को कोल्ड चेन के साथ पहुंचाना, लगातार पहुंचाते रहना और वैक्सीन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन देश के सामने वो चीज आती नहीं है, नागरिकों के सामने आती नहीं। उनको लगता है हाँ भाई टीका लग गया, इतनी संख्या का लग गया, और कभी कभी तो लोग आलोचना भी कर देते हैं। मैं तो अभी मुझे एक सज्जन मिलने आए थे, वो मुझे बधाई दे रहे थे, हफ्ते पहले की बात है, कि देखिए देश ने तो 1 करोड़ क्रॉस कर दिया, बहुत बहुत बधाई।
मैंने कहा इतना तो आपको आनंद आया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि 1 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचती कैसे है? मैंने उनको कहा कि मान लीजिए कि आपका घर में नौकर चाकर जो है उतने ही हैं, परिवार के सदस्य उतने ही हुए, और आपके घर में 20 मेहमान आ गए और 20 मेहमान को बिठा करके खाना खिलाना है और उतने ही नौकर चाकर है, तो मैंने कहा बताइए कितनी मेहनत बढ़ जाएगी और 20 लोगों को खाना खिलाने में कितना टाइम चला जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो कभी सोचा ही नहीं। यानी देश में हिंदुस्तान के कोने कोने में समय पर वैक्सीन, क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट भी रहती है, उसके टेम्परेचर का भी इश्यू रहता है, कितना बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट सरकार को 2400 घंटे किस प्रकार से काम करना पड़ता है, वो चीजें अभी तक देश के नागरिकों तक पहुंची नहीं है। मैं तो गोवा के इस काम से जुड़े सभी लोगों से कहूंगा कि आप गोवा का ये एक्सपेरिमेंट है किस प्रकार से आप पहुंचाते थे, ये भी देश के सामने रखेंगे तो देश को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए हम श्रुषी सुमेरा खान जी से बात करते हैं। सुमेरा जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सुमेरा जी, वैक्सीन लगवाने का आपका अनुभव कैसा रहा? आप तो मुझे आवाज से पहचान लेती होगी। जी सर। हाँ बताइए। तो मैंने वैक्सीन हमारे कुर्तोरी पीएच मतलब हेल्थ सेंटर में लिया है और मैंने फर्स्ट डोज कंप्लीट किया है और वहाँ मुझे बहुत कॉपरेशन मिला, मतलब लोगों ने बहुत अच्छे से अपना कॉपरेशन दिया। जब गई तो लाइन थी, फिर भी उन्होंने पहले प्रेफरेंस देके उन्होंने टीका लगा दिया हमें। तो हाँ ऐसा। सुमेरा जी, आपको तकलीफ बचपन से है कि बाद में कुछ अकस्मात से आपकी आंख चली गई? नहीं नहीं सर, मुझे बचपन से तकलीफ है। जन्म से है जी। सुमेरा जी, आप अपने क्लास की टॉपर रही है, अब आप एमए इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही हैं। देखिए अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है, अब आगे क्या योजना है आपकी? जी सर, मैंने अभी एमए वगैरह चल रहा है और मैंने आईएएस बनने का सोचा है, तो उसकी प्रिपरेशन बनने का। चलिए आप जल्दी आईएएस हो जाएं ताकि मेरे साथ मुझे काम में आपकी मदद मिल जाएगी। जी सर। अच्छा आपने अपनी पूरी यात्रा में खुद को कैसे प्रेरित किया, इंस्पिरेशन क्या रहा? तो मुझे बचपन से सबका सपोर्ट मिला है, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और बहुत लोगों ने मुझे सहयोग दिया है। वैसे कहने मैं अगर नाम लेने जाऊं तो 300-400 लोग तो ऐसे ही बन जाएंगे, बट यहाँ मैं 3 लोगों का नाम मेंशन करना चाहूंगी। एक तो मेरे 2 पेरेंट्स हैं और एक लीना मैडम जो हमारी हॉस्टल की टीचर है, वहाँ के प्रेसिडेंट रोजन सर हैं, और बाकी सब टीचर्स जिसने मुझे सहयोग किया और मेरे फ्रेंड्स जिसने मुझे इतने तक पहुंचने में मदद की। देखिए सुमेरा खान जी, कोई भी व्यक्ति दुनिया में आप ले लीजिए, उनको अगर बारीकी से पूछोगे तो 2 बात जरूर बताएगा, एक उसकी माँ का रोल और दूसरा उसके टीचर का रोल। हर एक के जीवन में दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए आजकल देश में हमारे दिव्यांग भाई बहन पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, चाहे वो पैरालंपिक्स हो या फिर आप जैसे हजारों भाई बहन जो पूरे स्वाभिमान से जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। सुमेरा जी, आपकी यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और जिन 3 लोगों का आपने नाम कहा उन तीनों को मेरा प्रणाम। जी सर। चलिए बहुत बहुत बधाई। तो शुक्रिया सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने आशीष वचन व्यक्त करें। गोवा के ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, गोवा के सपूत श्रीपाद नायक जी,
केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के मेरी साथी डॉक्टर भारती ताई पवार जी, गोवा के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, सभी कोरोना वॉरियर भाई और बहनों, गोयच्या मजा मोगाल भावा बहनेना तुमचे अभिनंदन। आप सभी को श्री गणेश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर हम सभी बप्पा को विदाई देंगे, हाथों में अनंत सूत्र भी बांधेंगे। अनंत सूत्र यानी जीवन में सुख समृद्धि लंबी आयु का आशीर्वाद। मुझे खुशी है कि इस पावन दिन से पहले गोवा के लोगों ने अपने हाथों पर, बांह पर जीवन रक्षा सूत्र यानी वैक्सीन लगवाने का भी काम पूरा कर लिया है। गोवा के प्रत्येक एलिजिबल व्यक्ति, पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए गोवा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, गोवा एक ऐसा भी राज्य है जहां भारत की विविधता की शक्ति के दर्शन होते हैं। पूरब और पश्चिम की संस्कृति, रहन सहन, खान पान यहां एक ही जगह देखने को मिलता है। यहां गणेशोत्सव भी बनता है, दीपावली भी धूमधाम से मनाई जाती है और क्रिसमस के दौरान तो गोवा की रौनक ही और बढ़ जाती है। ऐसा करते हुए गोवा अपनी परंपरा का भी निर्वाह करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को निरंतर मजबूत करने वाले गोवा की हर उपलब्धि सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे देश को खुशी देती है, गर्व से भर देती है। भाइयों और बहनों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे अपने मित्र सच्चे कर्मयोगी स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी की याद आना स्वाभाविक है। 100 वर्ष के सबसे बड़े संकट से गोवा ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, पर्रिकर जी आज हमारे बीच होते तो उनको भी आपकी इस सिद्धि के लिए, आपके इस अचीवमेंट के लिए बहुत गर्व होता। गोवा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन की सफलता में अहम भूमिका निभा रहा है। बीते कुछ महीनों में गोवा ने भारी बारिश, साइक्लोन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। इन प्राकृतिक चुनौतियों के बीच कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सभी कोरोना वॉरियर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का, टीम गोवा का, हर किसी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां अनेक साथियों ने जो अनुभव हमसे साझा किया उनसे साफ है कि अभियान कितना मुश्किल था। उफनती नदियों को पार करके
वैक्सीन को सुरक्षित रखते हुए दूर दूर तक पहुंचने के लिए कर्तव्य भावना भी चाहिए, समाज के प्रति भक्ति भी चाहिए और अप्रतिम साहस की भी जरूरत लगती है। आप सभी बिना रुके बिना थके मानवता की सेवा कर रहे हैं। आपकी ये सेवा हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। साथियों, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सारी बातें कितने उत्तम परिणाम लाती हैं, ये गोवा ने, गोवा की सरकार ने, गोवा के नागरिकों ने, गोवा के कोरोना वॉरियर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ये कर दिखाया है। सामाजिक और भौगोलिक चुनौतियों से निपटने के लिए जिस प्रकार का समन्वय गोवा ने दिखाया है वो वाकई सराहनीय है। प्रमोद जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। राज्य के दूर सुदूर में बसे केना कोना सब डिवीजन में भी बाकी राज्य की तरह ही तेजी से टीकाकरण होना, ये इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मुझे खुशी है कि गोवा ने अपनी रफ्तार को ढीला नहीं पड़ने दिया है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरी डोज के लिए राज्य में टीका उत्सव चल रहा है। ऐसे ईमानदार एकनिष्ठ प्रयासों से ही संपूर्ण टीकाकरण के मामले में भी गोवा देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। और ये भी अच्छी बात है कि गोवा न सिर्फ अपनी आबादी को बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों, बाहर से आए श्रमिकों को भी वैक्सीन लगा रहा है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हम देख रहे थे कि कैसे देश टकटकी लगाए कोविन डैशबोर्ड को देख रहा था, बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर उत्साह से भर रहा था। कल हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुआ है, हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीन हुआ, हर सेकंड 425 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। देश के कोने कोने में बनाए गए 1 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ये वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। भारत की अपनी वैक्सीन वैक्सीनेशन के लिए इतना बड़ा नेटवर्क, स्किल मैनपावर, ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, कल का आपका जो अचीवमेंट है ना, वह पूरे विश्व में सिर्फ वैक्सीनेशन के आंकड़ों के आधार पर नहीं, भारत के पास कितना सामर्थ्य है इसकी पहचान दुनिया को होने वाली है। और इसलिए इसका गौरवगान हर भारतीय का कर्तव्य भी है और स्वभाव भी होना चाहिए। साथियों, मैं आज मेरे मन की बात भी कहना चाहता हूं। जन्मदिन तो बहुत आए,
बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा हूं, इन चीजों से मैं दूर रहा हूं। पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से मनाते भी हैं, और अगर मनाते हैं तो कुछ गलत करते हैं, ऐसा मानने वालों में मैं नहीं हूं। लेकिन आप सभी के प्रयासों की वजह से कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया है। मेडिकल फील्ड के लोग, जो लोग पिछले 1.5-2 साल से दिन रात जुटे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ने में देशवासियों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने कल जिस तरह से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर दिखाया है वो बहुत बड़ी बात है। हर किसी ने इसमें बहुत सहयोग किया है, लोगों ने इसे सेवा से जोड़ा, ये उनका करुणा भाव कर्तव्य भाव ही है जो 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा सकी। और मैं मानता हूं वैक्सीन के हर एक डोज एक जीवन को बचाने में मदद करती है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने कम समय में इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलना बहुत संतोष देता है। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का ये दिन मेरे मन को छू गया है, अविस्मरणीय बन गया है। मैं जितना धन्यवाद अर्पित करूं वो कम है। मैं हृदय से प्रत्येक देशवासी को नमन करता हूं, सभी का आभार जताता हूं। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान सिर्फ स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि एक तरह से आजीविका की सुरक्षा का भी कवच है। अभी हम देखें तो हिमाचल पहली डोज के मामले में 100% हो चुका है, गोवा 100% हो चुका है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में भी सभी पात्र व्यक्तियों को पहली डोज लग चुकी है, सिक्किम भी बहुत जल्द 100% होने जा रहा है, अंडमान निकोबार, केरला, लद्दाख, उत्तराखंड, दादरा और नगर हवेली भी बहुत दूर नहीं है। साथियों, ये बहुत चर्चा में नहीं आया, लेकिन भारत ने अपने वैक्सीनेशन अभियान में टूरिज्म सेक्टर से जुड़े राज्यों को बहुत प्राथमिकता दी है। भारत में हमने कहा नहीं, क्योंकि इस पर भी राजनीति होने लग जाती है, लेकिन यह बहुत जरूरी था कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन जल्द से जल्द खुले। अब उत्तराखंड में भी 4 धाम यात्रा संभव हो पाएगी, और इन सब प्रयासों के बीच गोवा का 100% होना, 100% होना बहुत खास हो जाता है। टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने में गोवा की भूमिका बहुत अहम है। आप सोचिए, होटल इंडस्ट्री के लोग हो, टैक्सी ड्राइवर हो, फेरी वाले हो, दुकानदार हो, जब सभी को वैक्सीन लगी होगी तो टूरिस्ट भी सुरक्षा की एक भावना लेकर यहां आएगा। अब गोवा दुनिया के उन बहुत गिने चुने इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो चुका है जहां लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। साथियों, आने वाले टूरिज्म सीजन में यहां पहले की ही तरह
टूरिस्ट एक्टिविटीज हो, देश के दुनिया के टूरिस्ट यहां आनंद ले सके, ये हम सभी की कामना है। ये तभी संभव है जब हम कोरोना से जुड़ी सावधानियों पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना टीकाकरण पर दे रहे हैं। संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी भी इस वायरस को हमें हल्के में नहीं लेना है। सेफ्टी और हाइजीन पर यहां जितना फोकस होगा, पर्यटक उतनी ही ज्यादा संख्या में यहां आएंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने भी हाल में विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा देने का फैसला किया गया है। ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े स्टेक होल्डर्स को 10 लाख रुपए तक का लोन 100% सरकारी गारंटी के साथ दिया जा रहा है। रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड को भी 1 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार आगे भी हर वो कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है जो देश के टूरिज्म सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक हो। साथियों, गोवा के टूरिज्म सेक्टर को आकर्षक बनाने के लिए वहां के किसानों, मछुआरों और दूसरे लोगों की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल इंजन की सरकार की डबल शक्ति मिल रही है। विशेष रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर गोवा में अभूतपूर्व काम हो रहा है। मोपा में बन रहा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अगले कुछ महीनों में बनकर तैयार होने वाला है। इस एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन का एक आधुनिक कनेक्टिंग हाईवे बनाया जा रहा है। सिर्फ नेशनल हाईवे के निर्माण में ही बीते सालों में 1,000 करोड़ रुपयों का निवेश गोवा में हुआ है। ये भी बहुत खुशी की बात है कि नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से जोड़ने के लिए जूरी ब्रिज का लोकार्पण भी अगले कुछ महीनों में होने जा रहा है। भाइयों और बहनों, गोवा के विकास की जो विरासत मनोहर पर्रिकर जी ने छोड़ी थी, उसको मेरे मित्र डॉक्टर प्रमोद जी और उनकी टीम पूरी लगन के साथ आगे बढ़ा रही है। आजादी के अमृत काल में जब देश आत्मनिर्भरता के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो गोवा ने भी स्वयं पूर्ण गोवा का संकल्प लिया है। मुझे बताया गया है कि आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा के इस संकल्प के तहत गोवा में 50 से अधिक कंपोनेंट्स के निर्माण पर काम शुरू हो चुका है। ये दिखाता है कि गोवा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। साथियों, आज गोवा सिर्फ कोविड टीकाकरण में अग्रणी नहीं है, बल्कि विकास के अनेक पैमानों में देश के अग्रणी राज्यों में है। गोवा का जो रूरल और अर्बन क्षेत्र पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो रहा है। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी गोवा में अच्छा काम हो रहा है। गोवा देश का ऐसा राज्य है जहां 100% बिजलीकरण हो चुका है। हर घर नल से जल के मामले में तो गोवा ने कमाल ही कर दिया है। गोवा के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल जैसे
जल पहुंचाने का प्रयास प्रशंसनीय है। इस जीवन ये जल जीवन मिशन के तहत बीते 2 साल में देश ने अब तक लगभग 5 करोड़ परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा जोड़ा है। जिस प्रकार गोवा ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है वो गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग को लेकर गोवा सरकार की प्राथमिकता को भी स्पष्ट करता है। भाइयों और बहनों, सुशासन को लेकर यही प्रतिबद्धता कोरोना काल में गोवा सरकार ने दिखाई है। हर प्रकार की चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार ने जो भी मदद गोवा के लिए भेजी उसको तेजी से बिना किसी भेदभाव के हर लाभार्थी तक पहुंचाने का काम गोवा की टीम ने किया है। हर गरीब, हर किसान, हर मछुआरे साथी तक मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। महीनों महीनों से गोवा के गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाया जा रहा है। मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने से गोवा की अनेक बहनों को मुश्किल समय में सहारा मिला है। गोवा के किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि से करोड़ों रुपए सीधे बैंक अकाउंट में मिले हैं। कोरोना काल में ही यहां के छोटे किसानों को मिशन मोड पर किसान क्रेडिट कार्ड मिले हैं। यही नहीं, गोवा के पशुपालकों और मछुआरों को पहली बार बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी गोवा में रेहड़ी पटरी और ठेले के माध्यम से व्यापार करने वाले साथियों को तेजी से लोन देने का काम चल रहा है। इन सारे प्रयासों की वजह से गोवा के लोगों को बाढ़ के दौरान भी काफी मदद मिली है। भाइयों और बहनों, गोवा असीम संभावनाओं का प्रदेश है। गोवा देश का सिर्फ एक राज्य भर नहीं है बल्कि ब्रांड इंडिया की भी एक सशक्त पहचान है। ये हम सभी का दायित्व है कि गोवा की इस भूमिका को हम विस्तार दें। गोवा में आज जो अच्छा काम हो रहा है उसमें निरंतरता बहुत आवश्यकता है। लंबे समय बाद गोवा को राजनीतिक स्थिरता का, सुशासन का लाभ मिल रहा है। इस सिलसिले को गोवा के लोग ऐसे ही बनाए रखेंगे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई। प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को बधाई। सगळ्यांक देव बरे करू। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, गोवा और गोवा निवासियों की तरफ से मैं आपको सहृदय धन्यवाद करता हूं। आज आपने अपना बहुमूल्य समय व विचार हमें प्रदान किए। मैं गोवा के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों को, माननीय सांसदों को और अन्य लोगों को जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं आभार व्यक्त करता हूं। अब आपकी अनुमति से मैं आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। जय हिंद।